नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ हम साझा करते हैं इस बुलेटिन के जरिए। आज की अगर बात करें तो हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव का जो प्रचार है वो अब जोर पकड़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज 3 रैलियाँ थी अलग अलग स्थानों पर। और कल हालांकि जुब्बल कोटखाई में अमित शाह की रैली स्थगित हुई है, लेकिन नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल लगभग फाइनल हो गया है। हिमाचल में अब कब ये इनके दौरे रहेंगे, पहले था कि प्राइम मिनिस्टर के लिए पहले था कि 25 मई को वाराणसी में जो उनका अपना इलेक्शन है उसके बाद हिमाचल का रुख करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। थोड़ी सी रणनीति बदली गई है और उसके बाद आज का पूरा शेड्यूल हम आज आपको बताएंगे। कांग्रेस की तरफ से जितनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी उसमें हिमाचल में केंद्रीय नेताओं की ओर से कौन कौन आने वाले हैं और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जो शेड्यूल है वो जनरली क्या रहने वाला है वो बात करेंगे। साथ में आज जेपी नड्डा ने जो आज हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर अटैक किया है उसकी बात करेंगे। उन्होंने काली घटा का शब्द इस्तेमाल किया और उसका बैकग्राउंड क्या था वो भी आपको बताएंगे। जहां तक चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब दिया है और वो जवाब दिया है नदौन से, अपने चुनाव क्षेत्र से। कल सुजानपुर गए थे, सुजानपुर के बाद नदौन रुक गए थे और उसके बाद उनका भी अगले 3 दिन का शेड्यूल हम आपको बताएंगे कि कहां कहां वो दौरा करने वाले हैं, कहां कहां जाने वाले हैं, वो बात आज करेंगे। साथ में आपको जानकारी देंगे कि टीजीटी नियुक्ति से पहले, इलेक्शन की खबरों से पहले बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र में आज थे, उनकी बात भी करेंगे। साथ में बात करेंगे टीजीटी नियुक्ति को लेकर इलेक्शन कमीशन से जो जवाब आया है उसकी, पीडब्ल्यूडी की प्रमोशन क्यों रुकी है, इसमें परमिशन मिल गई थी उसके बावजूद ये प्रमोशन रुक गई है, उसकी वजह क्या है, वो भी आपको जानकारी देंगे। साथ में उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट रहेगा वो है कि महंगी बिजली का झटका किस तरह से लगने वाला है और ये चुनाव के बाद तक मामला क्यों टल गया है। एचआरटीसी में यूपीआई पेमेंट की बात करेंगे। चलती गाड़ियों में आग के मामले आज सामने आए हैं जिसमें कार भी है, एक ऑटो भी है और ये गर्मियों के इस सीज़न में ऐसा क्यों हो रहा है वो बात करेंगे। एक दर्दनाक हादसे की भी बात करेंगे जो नदौन में हुआ है और इसमें ये दर्दनाक क्यों है वो भी आपको बताएंगे। और साथ में जो मौसम की वजह से दिक्कतें आ रही हैं अब, क्योंकि पारा लगातार चढ़ रहा है, जैसे मैदानों में लू चलती है उस तरह की स्थितियां लगभग हिमाचल में आ रही हैं। कल जो टोटल टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ था उसके बाद आज क्या चेंज आया है वो बात करेंगे साथ में। और इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है वो जो है कि अलर्ट किस तरह से रहना है इस तरह के मौसम में और किस तरह से खुद को बचाना है, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज क्या अगर फोरकास्ट की बात करें तो पिछले कल ऊना में 43.2 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ था और कल सिर्फ ऊना में नहीं बाकी जगह भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो फीडबैक है वो देखने को मिली थी। और उसी तरह से फिर आगे जो ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर है वो परेशान करने वाला दिख ही रहा है। लेकिन एक बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि 19 और 20 यानी कि कल और परसों, ये दो दिन ऐसे हैं जहां पर मैदानी और निचले पर्वतीय क्षेत्रों तक एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि मौसम में कोई चेंज आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि जो हीट वेव्स हैं वो जारी रहेंगी 24 मई तक, लगभग ये टेम्परेचर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। अभी तक का फोरकास्ट 24 मई तक का है, इसके बाद का आगे का आएगा तो हम आपको उसके साथ बताएंगे। लेकिन 19 मई के लिए एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ बिजली चमकने की संभावना है, ये ज़रूर एक फोरकास्ट दिया गया है। ये सही साबित होता है कि नहीं, ये हिमाचल में प्रेडिक्शन वैसे भी मुश्किल है। आप देखिए कल ऊना में 43.2 था और केलोंग में 5.7 था। इतना वैरायटी मौसम में है कि जो 5 डिग्री और 43 डिग्री का डिफरेंस है, इसीलिए प्रेडिक्शन थोड़ा मुश्किल रहती है। लेकिन फिर भी जो अभी तक हमारे सामने की प्रेडिक्शन है मौसम विभाग की वो हमने आपके साथ साझा किया। अब बात करते हैं इस मौसम की, एक वजह वो है कि जो चलती गाड़ियों में आग लग रही है उसकी। आज देखिए दो इंसिडेंट आ गए, मंडी में एक ऑटो जो चल रहा था चलते चलते उसके इंजन में आग लगी, आग भड़क गई, पूरा जल गया। और इसी तरह का एक मामला कांगड़ा में भी सामने आया है जहां पर कार में आग लगी और कार जल गई। अब ये मौसम ऐसा है कि
ये तो गाड़ियों में आग के मामले हैं। इन गाड़ियों में आग के मामले के साथ NIT हमीरपुर के एकेडमिक ब्लॉक में भी आग लगी है। आज ये शुक्रवार दोपहर बाद की घटना है हालांकि, लेकिन आग के मामले जो गाड़ियों वाले हैं वो सेंसिटिव है, क्योंकि आजकल गाड़ियों में जो सफ़र है मौसम का उसमें असर है या शॉर्ट सर्किट का एक असर रहता है, वो रीज़न जो भी हो, लेकिन इसमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है अगर आप लंबा सफ़र करने जा रहे हैं। वैसे आज के जो दोनों इंसिडेंट हैं ये लंबे सफ़र के नहीं थे। अगली बात करें तो HRTC की UPI पेमेंट की जो एक अपडेट सामने आई है HRTC से, उसकी बात कर लेते हैं। बेसिकली 7 मार्च 2024 को इलेक्ट्रॉनिक कैशलेस माध्यम से ये शुरुआत की थी। 500 टिकटिंग मशीनें ली थी, 12 क्षेत्रों में ये सुविधा चल रही है। अब तक 4,400 यात्रियों से 11.5 लाख रुपये टिकट के रूप में इन मशीनों के ज़रिए लिए गए हैं। लेकिन दो चीज़ें HRTC ने अब फैसला किया है। पहला तो ये कि जो कंडक्टर इसका बेटर यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। और दूसरा, अब UPI पेमेंट एप्लीकेशन जो है UPI लाइट सुविधा से, जिसमें पिन डालने की ज़रूरत नहीं होती, उसके ज़रिए 500 रुपये तक जो यात्री हैं किराए का भुगतान कर सकेंगे। ये नई सुविधा ऐड की जा रही है। अगली बात करें बिजली के झटके की। देखिए, शहरी क्षेत्रों में एक नई बात सामने आ रही है, और नई बात यह है कि विद्युत नियामक आयोग ने एक टैरिफ ऑर्डर में पास किया है कि जहां शहरों में, शहरी क्षेत्रों में बिना NOC के बिजली के मीटर लगे हुए हैं, वहां पर अब जो पूरी तरह से, एक तरह से आप कहिए कि जो सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी, 125 यूनिट बिजली फ्री है वो भी नहीं मिलेगी, और इसीलिए उनका टैरिफ बढ़ने वाला है। ये 1 अप्रैल से इसको लागू करने के ऑर्डर थे, बिजली बोर्ड इसके लिए बाध्य है, उसको लागू करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, बिजली बोर्ड नहीं चाहता कि इलेक्शन में इसका कोई असर हो, इसीलिए इसमें एक क्लैरिफिकेशन के लिए वापस फाइल नियामक आयोग को भेज दी गई है। ये इसका मकसद सिर्फ इस फाइल को घुमाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रुक जाएगा। जो जहां जिसका मीटर बिना NOC के लगा है, वहां बिजली के जो रेट हैं वो बढ़ेंगे, और ये रेट कितने बढ़ेंगे वो बाद में पता लगेगा। और अब इस बारे में फैसला जो है वो चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए नियामक आयोग को ये मामला भेजा गया है। अब बात करते हैं PWD में प्रमोशन की। देखिए, PWD में ENC का पद खाली है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, और जो एडिशनल चार्ज हैं वो जो प्रोजेक्ट के ENC हैं NP सिंह, उनको दिया गया है, और ये अप्रैल के लास्ट तारीख को ही ख़त्म हो गया था अजय गुप्ता के रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से परमिशन मांगी गई ENC के प्रमोशन को लेकर इलेक्शन कमीशन से, और वो परमिशन 11 मई को आ भी गई थी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने ये फाइल प्रोसेस कर दी, सरकार को भेज दी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में इन्होंने भेजी है, और अभी ये कहा गया है कि इस बारे में जो ऑर्डर हैं वो अब कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही होंगे, तो सरकार इसमें अभी टाइम लेगी। लेकिन इसी के साथ एक और परमिशन थी, सेक्रेटरिएट में स्वीपर को PN के तौर पर प्लेसमेंट की, 18 पद हैं ये, ये सेक्रेटरिएट में जो प्लेसमेंट होनी है स्वीपर की PM के तौर पर, चपरासी के तौर पर, तो इसकी परमिशन भी दे दी है। और IPR डिपार्टमेंट में जो दो असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सिलेक्ट होके आए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से, इनको भी अपॉइंटमेंट होनी है, वो परमिशन भी हो गई। लेकिन TGT के मामले में एक नई बात आई है। TGT जो नियुक्ति का परमिशन मांगी गई थी, क्योंकि आपको पता है कि पहले TGT की भेजी गई थी बैच वाइज वाली, उसके बाद JBT की भेजी गई जब कोर्ट से क्लियर हुआ, लेकिन JBT में तो रिप्लाई आया नहीं, TGT में ज़रूर रिप्लाई आ गया इलेक्शन कमीशन का कि अगर ये रिजल्ट पहले निकल गया था चुनाव आचार संहिता से पहले, तो हमें क्यों भेजा जा रहा है, इसका मकसद क्या है। अब देखिए, दो तरह से शिक्षा विभाग बीच में फंस गया है। एक तो अब अपने आप सू मोटो इसमें एक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पहले इसका रिप्लाई दीजिए फिर हम फैसला देंगे, तो अब इसको रिप्लाई भेजना पड़ेगा। 2 हफ्ते से कम समय रह गया इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट का, तो अब इलेक्शन कमीशन को ये वापस जवाब जाएगा, इसमें संदेह है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसको परस्यू अब नहीं कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट हटने का ही इंतज़ार हो रहा है। तो जो बैच वाइज नियुक्तियाँ हैं वो अब नहीं हो पाएंगी, जैसा कि पहले की स्थिति थी वो स्थिति इसमें बरकरार रही है। अगली बात है जो अब जो इलेक्शन की प्योरली खबरें हैं, खासकर एक मैंने जो आपको पहले मिस किया वो दर्दनाक हादसे का एक मामला है। ये मामला है हमीरपुर नदौन रोड पर, नदौन में पेट्रोल पंप के पास एक टिप्पर जो सुबह सुबह 4 बजे दूसरे ट्रक से टकरा गया, जिसके कारण वो फ्रंट से जो ड्राइवर था उसकी जो टांगें, एक टांग बाहर आ गई उसमें से जब वो जो क्रैश हुआ,
और एक अंदर रह गई क्योंकि वो मेटल में फंस गई थी बीच में। और ये क्योंकि सुबह 4 बजे की घटना थी, 2.5 घंटे ये ड्राइवर उसी में टूटी हुई टांगों के साथ टिपर में फंसा रहा। उसके बाद निकाल के इसको हमीरपुर भेजा गया, हमीरपुर से रेफर कर दिया है PGI। लेकिन ये पूरा प्रोसेस इतना जान एक तरह से दर्दनाक था कि इसको देख के कईयों को इसको देखना भी ठीक नहीं लगा। और क्योंकि इस तरह के जो हादसे हैं हमें बताते हैं कि हम कितना रेडी हैं इस तरह की आपदाओं या इस तरह के हादसों को लेकर, कि 2.5 घंटे अगर गैस कटरी नहीं मिले किसी टिपर में उसको किसी व्यक्ति फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए, तो ये एक जो बात है वो सोचने की है। जहाँ तक इसके बाद अगली बात है तो अब वो है जो पॉलिटिकल अब माहौल बना है। देखिए एक तरफ जो मौसम का पारा चढ़ रहा है, दूसरी तरफ चुनाव प्रचार जो है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और मौसम जो है अगले जो चरण अब होने हैं तीसरा और ये जो लास्ट के दो खासकर, तो इनमें मौसम बड़ा रोल प्ले करेगा। पहले से ही वोटिंग परसेंटेज कम है और आगे से भी लग रहा है कि इसकी वजह से दिक्कत होगी। हमीरपुर और ऊना जैसे जिलों में एक प्रिकॉशनरी ये भी मेजर लिया गया है कि वोट देने के लिए जो लोग घरों से बाहर निकलें वो गिल्ला टॉवल सिर पर रखें या सिर को बचाते हुए आएं ताकि डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट धूप ना लगे। लेकिन ये क्या कहां कहां पॉसिबल है ये भी एक बात देखनी होगी। आज जो जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसमें जयराम ठाकुर आज थे जो नाचन में, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू थे नादौन में, JP नड्डा 3 जगह थे उस फतेहपुर चंबा और कुनिहार में, और जो बाकी जो रैलियां हैं या दौरे हैं वो अलग तरह से चल ही रहे हैं। आज रोहित ठाकुर जो हैं कांग्रेस के नेता हैं और मंत्री हैं सरकार में, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जुब्बल कोटखाई अपने चुनाव क्षेत्र के दौरे में हैं, वहाँ ये कह दिया कि सेब के कारोबार को, सेब के खेती को बचाना है तो BJP को हराना होगा, एक बात ये कह दी। दूसरी तरफ जयराम ठाकुर ने जो नाचन के दौरे पे हैं उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है देश को प्रोग्रेसिव रास्ते पे ले जाना चाहता है, ये जो डिप्रेसिव रास्ता है कास्ट सेंसस करेंगे, जातिगत गणना करेंगे, इस तरफ नहीं, हम जो है नंबर 3 की इकोनॉमी बनेंगे विश्व में, और इस तरह इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए रिस्पॉन्स है। और जहाँ तक मंडी सीट की बात है, जो एक महिला का अपमान कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग बातें कह के किया है, मंडी के लोग उसका जवाब देंगे, ये कहा जयराम ठाकुर ने। जहां तक बात है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, तो वो आज नादौन में थे, कल सुजानपुर से नादौन चले गए थे, और इनका जो अगला दौरा है वो भी इनका दौरा आ गया है और ये 3-4 चुनाव क्षेत्रों में जा रहे हैं कल और परसों। परसों ये मोस्टली चंबा की तरफ दौरे पे रहेंगे और कल जो है इनका जो है वो सोलन की तरफ का दौरा होगा, नालागढ़ बद्दी की तरफ का। तो इस तरह का जो शेड्यूल एक CM का है। जहां तक बात बाकी नेताओं की है तो उसमें जो आज मुख्यमंत्री ने नादौन में कहा जो मीडिया के साथ बातचीत में, कि केंद्र सरकार को पहले ये बताना चाहिए कि अग्निवीर योजना सेना में क्यों लाई गई, हिमाचल के इतने युवा भर्ती होने जाते हैं और ये 4 साल की स्कीम जो है ये इनके साथ धोखा है, तो इसके बारे में जवाब दें। और जो 1500 रुपये को देने से रोका गया BJP के द्वारा शिकायतें कर कर के बाद में, वो भी BJP के जो लीडर हैं वो लोगों को बताएं, हम तो 1500 रुपये की 2 किस्तें चुनाव के बाद जो भी पात्र महिलाएं होंगी उनको देंगे। जहाँ तक इसके बाद अगली बात है, जो मैं आपको इनका शेड्यूल बता रहा था, कल ये बिलासपुर नालागढ़ बद्दी के दौरे पे होंगे और परसों तीसा सलूणी बनीखेत के दौरे पर हैं। जहाँ तक बात अब अगले सब्जेक्ट की है तो देखिए जो चुनाव प्रचार है उसमें बड़े नेताओं के दौरे अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज JP नड्डा के 3 जगह थे और इन्होंने जो आज कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। JP नड्डा ने कहा कि हिमाचल में बैक गियर वाली सरकार है, इनसे आप कुछ नए की उम्मीद नहीं कर सकते। हिमाचल में आपदा आई तो राहुल गांधी और आए प्रियंका गांधी आई तो बहुत लेट आई, और BJP के जो लीडर्स थे चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हैं वो पहले आए थे। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो बैक गियर वाली सरकार है ये संस्थानों को बंद कर सकती है, नए नहीं खोल सकती, और ये काली घटा है एक तरह से, इस काली घटा को हटाओ
अगर इस काली घटाओं को हटाएंगे तो लोकसभा और विधानसभा दोनों में भाजपा की सरकार बनेगी, ये बात इन्होंने कही। और 2029 के चुनाव की भी एक पिक्चर दी कि 2029 के चुनाव में हिमाचल की विधानसभा में भी महिला आरक्षण जो है वो 33% हो जाएगा और जो लोकसभा है वहाँ भी लागू हो जाएगा, तो एक नया सिनेरियो उस वक्त देखने को मिलेगा। तो ये जेपी नड्डा ने जो आज कहा ये उनकी बात थी। अब बात कर लेते हैं जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो कब आएंगे। देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में बहुत सारे नाम हैं, अभी जो कांग्रेस के लीडर्स बता रहे हैं उसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आना तय है। कितनी रैलियां करेंगे ये अभी तय नहीं है, दो दिन देंगे या एक ही दिन मिलेगा। लेकिन इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक और बाकी जो नेता हैं उनको लेकर डिमांड हो रही है, उनके आने को लेकर भी। और छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बघेल और जो राजस्थान के हैं गहलोत, वो भी आ सकते हैं क्योंकि उनको रायबरेली में इंचार्ज लगाया गया था, अमेठी और रायबरेली में। वहाँ से फ्री होने के बाद वो यहाँ आएंगे क्योंकि उनके पहले उस हिमाचल से पहले चरण में वहाँ चुनाव है, तो वो भी आ सकते हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी का शेड्यूल फाइनल नहीं है। दूसरी तरफ से पीएम मोदी का शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हुआ है। देखिए पहले तो आपको बता दें कल जो अमित शाह की जुडबुल खोड़खाई में रैली थी वो तो रद्द हो गई थी, लेकिन स्थगित हो गई थी। लेकिन 22 मई को नितिन गडकरी कुल्लू के रथ मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे कंगना रनौत के लिए, ये फाइनल हो गया है। इसके बाद जहां तक प्रधानमंत्री की बात है तो नरेंद्र मोदी 23 मई को नाहन और मंडी आ सकते हैं। मंडी बाद में है कि साथ ही होगा ये अभी तय होना है, लेकिन 23 मई को वो नाहन आ सकते हैं क्योंकि 25 मई को जो इलेक्शन वाराणसी वाला कह रहे थे कि उसके बाद वो आएंगे, लेकिन अब इसमें शेड्यूल में बदलाव हुआ है, वो पहले भी आ सकते हैं। और इसीलिए जो जो बाकी दूसरे दिन का शेड्यूल है प्रधानमंत्री का, अब उसके तय होने का इंतज़ार है। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें जो आज पूरे दिन राजनीतिक घटनाक्रम था उसकी जानकारी हमने आपको दी। जब तक कोड ऑफ कंडक्ट का ये पीरियड है तब तक चुनावी जो ये प्रक्रिया है उसी तरह से चलेगी। और जो बाकी खबरें हैं जो कर्मचारियों से रिलेटेड है, क्योंकि कोर्ट से जो केसेस हैं, डायरेक्शंस हैं, वो तो आ ही रही हैं, इनको लागू करने को लेकर भी फैसला जो है वो बाद में होगा और उसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना है। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।